गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रामलीला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वोट देने की अपील की और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते हुए ये कहा कि पहले लोग सत्ता को भोगते थे, रिश्तेदारों का काम करवाते थे, हमने 2.5 करोड़ जनता के लिए सरकार चलाई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार के 5 साल के कार्यों को गिनवाया भी। कोई अफवाहें फैलाए, कोई गलत प्रचार करे, कोई आपके कान में फूंका के मारे, 5 दिन सावधानी से चलना है और 5 दिन पहले आपको बता रहा हूं किसी बात के चक्कर में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी की सीट को, ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट बन चुकी है, इस सीट को हम लोगों ने जो भी कमल के निशान का प्रत्याशी है उसी को जिताना है, उसके अलावा कहीं जाना नहीं चाहिए, कोई प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, कोई झांसे में नहीं आना चाहिए। कमल का निशान पार्टी का निशान है, पार्टी के सिद्धांत पर चलते हुए आगे बढ़े। कभी कभी पार्टी की बजाय व्यक्ति को भी हम महत्व दे देते हैं और अगर व्यक्ति को भी महत्व देना है तो फिर जिस ईवीएम के मशीन में आप वोट डाल रहे हैं उस समय कमल का निशान तो ध्यान रखें ही, याद रखें ईवीएम। ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। कोई आपको ये कह दे कि भाई ये चुनाव कोई लोकसभा के थोड़ी है, ये चुनाव तो विधानसभा के हैं, तो फिर आप याद करिए एवरी वोट फॉर मनोहर।